हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इसमें बेसिकली अपन जो कमांड्स यूज किए हैं उस कमांड्स का अपन यूज़ देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एक स्केच लिया है, इसको हमने स्केच में डाला। ठीक है, जैसे कि पहले हम सर्कल ले लेते हैं, तो ये लेके हमने एक सर्कल ले लिया 100, चलो 120 का ले लेते हैं सर। ठीक है, इसको हम पेड करेंगे, एग्जिट किया। ओके, इसके हम ड्राफ्टिंग सीखेगा ना मेनली, तो उसके पर्पज से। ठीक है, इसमें कटआउट डालते हैं, एक कटआउट मीनिंग समझते ना, जैसे कि आपको। ठीक है, मान लो इसकी डिस्टेंस है इसके यहाँ से 45। ठीक है, इसको हमने इधर मिरर कर दिया। तो पॉकेट करने के लिए अपने क्या चाहिए, पूरा एक क्लोज सर्कल चाहिए। ये क्लोज नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, पहले तो किस तरह किसी भी तरह से क्लोज कर देते हैं, अपने मेथड पर टेस्ट तो हो नहीं रहा है, तो क्लोज करने का इतना कोई अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने ये क्या किया, एग्जिट किया और पॉकेट, क्योंकि पॉकेट करो तो कुछ भी करो उसके लिए अपने क्या चाहिए, क्लोज सर्कल चाहिए पूरा। अप टू नेक्स्ट, ये पॉकेट क्लोज हो गया। फिर जैसे कि मान लो इसके पीछे कोई एक और शाफ्ट हो या कुछ और सर्कल हो, तो अपन ऐड करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ओके, ये अपने पास होगा 50। एग्जिट, इसको पेड करते हैं अपन ऑलमोस्ट 100 तो जाना चाहिए, 100 तक पेड करते हैं, 100 तक पेड करते हैं। ठीक है, मान लो कि पिन बना रहे हैं किस चीज़ की, तो वो चीज़ है। मान लो कि इसके ऊपर हमने एक और सर्कल ले लिया, ये हमने 25 का। ओके, देखना इसमें ड्राफ्टिंग पूरा समझ में आएगा, इसमें 50 तक ले लेते हैं। ठीक है, हो गया, मतलब ये पिन है। ठीक है, अब जैसे कि इस पर होल करना आपको,